केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में ऐप चैलेंज प्रतियोगिता में एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी द्वारा तैयार सर्व वेब ऐप को 3 शीर्ष भारतीय ऐप में चुना गया। मंत्रालय ने जयपुर के स्टार्टअप द्वारा निर्मित सर्व वेब ऐप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बेहतर ऐप मानते हुए 50 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। सर्व ऐप की 2 खूबियां हैं। 1, इसमें मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की तुलना में डाटा की खपत 50% से कम होती है। दूसरा, इसमें शोरगुल को फिल्टर करने की क्षमता है। मसलन, यदि कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीछे से हॉर्न, कुकर की सीटी, टीवी चलने जैसी आवाजें हों, तो ये ऐप उन्हें खुद ही फिल्टर कर लेता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस तरह की समस्याएं आम हैं, जबकि आम प्रचलित अन्य मौजूदा ऐप में इस प्रकार के फीचर नहीं हैं। इस ऐप को विकसित करने वाले रमेश चौधरी के अनुसार अभी 1 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करीब 1 GB डाटा खर्च होता है, लेकिन इस ऐप से 50 से लेकर 500 MB डाटा ही खर्च होगा। दूसरे, इसमें नया फीचर नो डाटा मोड भी डाला गया है। यदि इसमें चले जाएं तो डाटा महज 50 MB ही खर्च होता है। इसमें एक फीचर ये भी है कि प्रेजेंटेशन देने वाले को स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं होती, वो सीधे प्रेजेंटेशन को अपलोड कर सकता है। ये ऐप 2G कनेक्टिविटी में भी बखूबी काम करता है। कमजोर कनेक्टिविटी के कारण यदि आवाज नहीं आ रही हो तो इसमें लोकल फोन नंबरों के जरिए उसे सुनने का भी विकल्प दिया गया है, जबकि अन्य में विदेशी नंबर होते हैं जो ऐन वक्त पर कारगर नहीं होते। रमेश चौधरी ने 2011 में एमटेक करने के बाद स्टार्टअप के रूप में सर्व वेब कंपनी शुरू की थी, जो लगातार नए नए इनोवेटिव उत्पाद ला रही है। इस ऐप के रूप में उन्होंने चीनी ऐप की चुनौती को टक्कर देने की दिशा में कदम उठाया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने ऐप के विस्तार के लिए किसी प्रकार का विदेशी निवेश नहीं लेंगे। Our VC solution is made in India and made for Indian. We developed this solution to study properly that what kind of issues facing other solutions like Zoom and Google. We found that they had 2 major problems. One is the noise and second is data consumption. So we come up with the solution. We also cover up the lots of other solutions, but the data consumption is the most issue that we faced while we are developing. And our solution is used 50% less data in the same quality compared to the others. And our noise cancellation tools are 10 times better than Google and Zoom. We successfully remove all kind of background noises like family noise, pets noise, and traffic noise, and any other kind of like fan, cooler, any other than human voice going to be muted while we're in conference. अब इस ऐप को JEM पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है तथा सरकारी एजेंसियों से इसके इस्तेमाल करने को कहा गया है। मंत्रालय का मानना है कि ये ऐप देश की जरूरतों के हिसाब से अब तक उपलब्ध सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से बेहतर है। सभी लोग जो एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ इनोवेटिव चीज बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि भारत आईटी सेक्टर में हमेशा से अग्रणी श्रेणी में रहा है। अगर हम देखें हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री, छोटी से लेकर बड़ी हर कंपनी के अंदर भारतीयों का योगदान बहुत ज़्यादा है। जितने भी आज पॉपुलर टूल्स और सॉफ्टवेयर और कंपनीज आईटी कंपनीज हम देख रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो, इन सभी कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर और इनके हार्डवेयर ज़्यादातर इंडियंस के द्वारा ही डिज़ाइन किए गए हैं। इन कंपनी को रूल भी इंडियंस कर रहे हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि दे आर नॉट मेड इन इंडिया। टैलेंट इज ऑलवेज हेयर इन इंडिया, वी जस्ट नीड टू चेंज द प्लेस। सो अभी जितने भी सॉल्यूशन हम देखते हैं, दे आर मेड बाय इंडियंस, दे शुड बी मेड इन इंडिया। मेरा एक संदेश और है सभी लोगों के लिए कि 2020 दुनिया के लिए भले ही एक कोरोना का साल हो, लेकिन हम भारतीयों के लिए एक आईटी रिवॉल्यूशन का साल होना चाहिए, और इसको हम लोग मिलके कर सकते हैं।